जो बीजेपी यदि हर घर तिरंगा पहुंचा रही है, दिक्कत क्या है आपको? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो सवाल है, सवाल ये कि जिन्होंने 8 साल तिरंगे का विरोध किया, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब तिरंगा अपनाया भारत ने, इन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया था, ये लोग जब तिरंगा फहराने की अपील करते हैं तो इनका फर्जी राष्ट्रवाद उजागर होता है, और हम कह रहे हैं तिरंगा फहराइए ना, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आप भारतीयता की शपथ लीजिए कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप देश में जहर घोलने का प्रयास नहीं करेंगे, देश के संविधान को मानेंगे, वो तो आप करेंगे नहीं, समस्या तो यही है ना, वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि देश को बांटने के बाद, छोटे छोटे खंड खंड करके टुकड़ों में बांटने के बाद में देश में चुनाव जीतना आसान हो जाता है। आपकी सारी जो नीति है वो केवल चुनाव जीतने तक ही लिमिटेड है, इसके आगे कुछ नहीं करना। पूरे देश में 24 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाया जाना है, और तिरंगे बनाने का जो ठेका दिया है ना, वो गुजरात के व्यापारी है सर। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है देश का, हर संपत्ति अपने मित्रों, आज जनता समझ रही है कि मित्रों किसे बोला जाता था मंच से, तो मित्रों इसलिए उन्हीं को बोला जाता था जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, और आप झंडे की बात कर रहे हैं, आप जहां रहते हैं, आपके व्यूअर्स जहां रहते हैं, पूछिए उनसे जो आपके गली मोहल्ले में काम हो रहा है उसका मटेरियल कहां से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पैसा मिल रहा है, अगर किसी गली में गटर रिपेयर हो रहा है, पाइप डल रहा है, सीमेंट आ रहा है, रोड़ी आ रही है, बजरी आ रही है, कहाँ से आ रही है? वो मित्रों के घर से आ रही है भाई, जनता के घर से नहीं आ रही है। ये केवल और केवल एक भाजपा ने एक पूरा का पूरा गिरोह बना लिया है, और गिरोह में पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है, जिसकी थाली से रोटी गायब हो रही है, वो लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं जनता के ऊपर। बीजेपी के द्वारा इसका तोड़ क्या है विपक्ष के पास में? देखिए, विपक्ष के पास में इसका तोड़ नहीं है, जैसे कि योगेंद्र यादव जी ने भी एक बार लगभग 3 महीने पहले 4 महीने पहले एक आर्टिकल आया था उनका, उन्होंने बताया था कि देश की सत्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इसका विकल्प देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, इसके लिए पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा जो इस देश को संभालना चाहते हों, बलिदान देने के लिए तैयार हों, व्यवस्था में परिवर्तन। आज सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की ये बड़ी लड़ाई है। आज करोड़ों लोग सर भूख से सोते हैं हमारे देश में, ऐसे में जो हर घर तिरंगा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हर घर नौकरी पहुंचे, रोजगार पहुंचे, खाद्यान्न पहुंचे, उज्ज्वला गैस योजना का फ्री सिलेंडर पहुंचे, तिरंगा यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगी इन चीज़ों को लेकर? देखिए, यकीनन जब ये कोई दाव चलते हैं ना, तो इस तरीके से चलते हैं नरेंद्र मोदी जी के, दोनों तरफ कुआ दोनों तरफ खाई। इन्हें मालूम है कि जो देश के लोग हैं वो तिरंगे से प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने आज प्यार करना शुरू नहीं किया, जब भाजपा और संघ तिरंगे का विरोध करते थे तब भी देशवासी इस तिरंगे से उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं, लेकिन ये हर चीज़ को हाईजेक करके, एक ढकोसला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अब चल नहीं पाएगा। देश की जनता तिरंगा अपनी मर्जी से अपनी छत पे लगाती है, नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं लगाती। अगर आज मजाल है ना नरेंद्र मोदी की, तो ताली और थाली पिटवा कर देख लीजिए, आपको औकात पता चल जाएगी। कल्याण सिंह साहब का निधन हुआ था, तो उन्होंने तिरंगे में उनका जो शव रखा था, तो वो तो अपने नेताओं के लिए भी यूज कर रहे हैं तिरंगे को। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मैंने आपको बोला कि तिरंगे का अपमान बहुत बारी हो रहा है, चाहे उस पर तिरंगे के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया हो नरेंद्र मोदी ने, या तिरंगे को अलग अलग जगह पर मिसयूज करने का काम किया हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें, तो ये लोग वो हैं जो तिरंगे के विरोधी हैं, या आपके और हमारे मन में घुस करके तिरंगे को, और यहाँ तक कि इनके तो एक MLA ने ये भी कहा था कि हम तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे, तो आप ये बताइए कि ये वो लोग हैं, ये कैसे तिरंगे की बात कर सकते हैं? इनको तो कोई हक ही नहीं है तिरंगे पे बात करने का। तिरंगे के पे हक की बात वो रख सकता है जिनके पूर्वजों ने तिरंगे के लिए गोली खाई हो, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया हो। वो लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं दिया, उनको इस चीज़ का हक ही नहीं है। मतलब तिरंगा यात्रा ना चलाएं फिर? तिरंगा तो देश की जनता के दिल में बसा है भाई, तिरंगा देश की जनता के दिल में बसा है। अगर हर घर तिरंगा जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम कह रहे हैं साथ में भारतीयता की शपथ क्यों नहीं ले रहे? आप शपथ लो ना। अभी मुझे पता लगा है, कुछ लोगों ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा एजेंडा चला रही है कि आपको, कुछ लोग भारतीयता की शपथ को भी चला रहे हैं कि देश की जनता में एकता आ जाए, और वहां से वित्त मंत्री है सर, वो कह रहे हैं कि देश में महंगाई कहीं नहीं है, ना उसका असर हो रहा है कहीं भी देश में। हाँ तो महंगाई कहाँ है?
नहीं है भाई महंगाई, अमृतकाल चल रहा है, आपको महंगाई नजर आ रही है क्या? नहीं है भाई महंगाई, महंगाई उस दिन स्वीकार करना जिस दिन असलियत में विकास हो जाए, जिस दिन पत्ते बांधकर आदिवासी बन जाएंगे ना सब देश वाले देशवासी, उस दिन विकास को स्वीकार करिएगा। अच्छा। महंगाई नहीं है भाई, महंगाई नहीं है, सिलेंडर 400 का ही मिल रहा है, आपकी आंखें खराब हो गई, 1000 रुपये देते आप 1000 रुपये दे रहे हो, आंखें खराब है, 400 का ही मिलता है सिलेंडर तो। यदि सर महंगाई है, लोग परेशान है, सड़क पर क्यों नहीं आते? नहीं आएंगे, जनता की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा, जनता रोड पर नहीं उतर सकती, जनता के पास अपने रोजगार से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार की देखभाल करना, रोजगार करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने जो जो दिन त्यौहार होते हैं उन सबको मनाना, जीना मरना, बहुत सारे कामों के अंदर हम उलझे होते हैं, दिनचर्या के काम के अंदर। तो ऐसे समय के अंदर देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कोई ऐसी क्रांति उठ कर आए हम जिसके साथ खड़े हो जाए। धरना करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरे देश में आज की तारीख में 50,000 से ज़्यादा जगहों पर धरने हो रहे हैं, धरने से समाधान नहीं है, आपको सरकार को गाइड करना होगा, मार्गदर्शन करना होगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। समस्या क्या है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, उनको अपना घर भरने से फुर्सत नहीं है, आप वो मार्गदर्शन के बारे में, उनके पास दिमाग मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं है। अरे भाई भाई, करप्ट नेताओं के छापे मारने से क्या मार्गदर्शन प्राप्त होगा? मार्गदर्शन का मतलब है कि अगर ऐसा होता है, अब ये लोग यहाँ धरना कर रहे थे कमीशन को लेकर, आप एक बात बताइए, अभी तो सरकार जो है पिछले लंबे समय से एक्सपोर्ट कर रही थी अनाज को, और अभी आने वाले 2-3 महीने के अंदर गेहूं का भाव 50-60 रुपए मार्केट में पहुंचने वाला है, खतरा है क्योंकि अनाज नहीं मिलेगा, बढ़ेगा भाई, नहीं मिल नहीं, सरकार ने पीडीएस में खरीद कहाँ की है, इस बारी 1/3 खरीद हुई है, तो ये भूल जाओ, किसी भ्रम में ना रहो, ये तो संबंध, आपको क्या लग रहा है जब सरकार के पास में राशन ही नहीं है, सरकार के खाते में राशन नहीं बचा, कहाँ से देगी? हाँ, लेकिन एक बात है, अदानी के साइलो भरे पड़े हैं, देश की जनता के पास विकल्प है, अगर किसी के घर में भोजन खत्म हो जाए तो अदानी के साइलो पर चले जाए, भैया आराम से दे दे तो ठीक है, सरकारी रेट का पैसा भुगतान करे जनता, और अगर बदमाशी दिखाए अदानी तो जनता अपनी पे आए, क्योंकि वो देश की जनता का पैसा है, देश की जनता का राशन है, या भारत का पैसा है वो। असल दिल्ली जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हो रहा है क्या भारत में, और जगह कहाँ चल रही है भारत में? भारत में किस किस जगह चला प्रदर्शन आपका? देखिए, प्रदर्शन की बात करें तो पूरे देश में अलग अलग लोग, चाहे किसान है, व्यापारी है, मजदूर हैं, नौकरी वाले लोग हैं, LIC कर्मचारी है, BPCL है, बैंक के कर्मचारी है, पूरे देश में लगभग 50,000 से ज़्यादा धरने आज पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सरकारें आँख मूंद के बैठी हैं, सरकारें जो चला रहे हैं नेता वो आंखें बंद करके बैठे हैं, और जब तक नेता नहीं सुनेंगे समस्याओं का समाधान होगा ही नहीं। सर, 9 सूतों की जो व्यापारियों की मांग करी है वो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, केवल 9 मांगों को ना लेकर के हम उससे आगे बढ़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं आज की तारीख के अंदर, आने वाले समय के अंदर देश में अनाज की भारी कमी होने वाली है, भारी कमी होने वाली है, गेहूं का रेट जो आज बाजार में 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये मिल रहा है, वो 60 रुपये 70 रुपये तक पहुंचने वाला है, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई नेता आगे आने को तैयार नहीं है, और उसके बाद होगा क्या, निर्मला सीतारमण जी आएंगी और साफ सीधा कहेंगी कि मैं तो रोटी खाती ही नहीं, जैसे प्याज की बारी में उन्होंने कहा था, तो आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए, आटा भी 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो बहुत जल्दी मिलने वाला है देश की जनता को।